हे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसका नाम है 3D पेन। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बोल रहे थे कि 3D पेन की अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एक 3D पेन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 3D पेन किस तरह से काम करता है और इस 3D पेन को यूज़ करके हम किस तरह की ड्रॉइंग्स बना सकते हैं, 2D ड्रॉइंग्स, 3D ड्रॉइंग्स, ये भी देखेंगे। तो इस तरह के बॉक्स में मिला है हमें ये 3D पेन, आप देख सकते हो। यार ये जो बॉक्स है ना, बहुत ही अजीब किस्म का है, क्योंकि इसे मैंने मंगाया है अमेजोन से, पर इसके ऊपर आप देख सकते हो पूरी तरीके से रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये एक ही समझ में आ रहा है 3D पेन 2 बोलकर, और बाकी आप लैंग्वेज देख सकते हो पूरी तरीके से रशियन है आगे और पीछे। तो कोई नहीं गाइस, हमें तो इसके अंदर के प्रोडक्ट से मतलब है, तो चलो फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेता हूं मैं। इसका प्राइस है 1700 रुपीज़। आप अगर खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से जाकर इस 3D पेन को खरीद भी सकते हो। तो मैंने इसे जैसे ही ओपन किया है, यहाँ ऊपर हमें मिला है एक यूज़र मैनुअल। तो मुझे पता है गाइस, यूज़र मैनुअल भी पक्का रशियन में ही होगा, आप देख सकते हो। तो अभी ये चीज़ हमारे कुछ काम की नहीं है, तो चलो इसे साइड में फेंकते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे है इसके फिलामेंट कॉइल्स। मान लो कि गाइस ये एक 3D पेन की रिफिल की तरह काम करता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 कलर्स हैं, ये है, और इसके अंदर भी 3 कलर्स मिलते हैं, यहाँ पे भी 3 कलर्स हैं। टोटल हमें 4 फिलामेंट कॉइल्स मिले हैं और सभी में अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। तो इन्हें किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर ज़रूर से लाइक भी कर देना गाइस। आप जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे, मैं आप लोगों के लिए उतने और अच्छे अच्छे टॉयस और गैजेट्स के वीडियोस लाता रहूँगा। इस बॉक्स के अंदर हमें मिला है और एक पावर अडैप्टर। तो ये पेन को हमें पावर देना होता है तभी ये काम करेगा। तो इसे रखते हैं साइड में, और इस पेन को होल्ड करने के लिए एक पेन होल्डर भी मिलता है। ये रहा हमारा गजब 3D पेन। यहाँ से देख सकते हो गाइस, बिल्कुल जैसे मार्कर दिखता है, एक मार्कर के साइज का है, पर थोड़ा सा मोटा है देखने में। और इसके कौन से बटन्स किस लिए यूज़ होते हैं मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये फीड इन है, ये फीड आउट है, दो बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। हमें इसे यूज़ करने के लिए ये बटन को प्रेस करके ड्रॉ करना होता है, और यहाँ पे एक और स्विच है, इससे हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी किस तरह से करना है मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, दो स्विचेस दिए गए हैं। इस बटन्स को यूज़ करके आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक PLA फिलामेंट होता है और एक ABS फिलामेंट होता है। तो ज़्यादातर जो 3D पेन्स होते हैं उसके साथ PLA वाला फिलामेंट ही मिलता है। अगर मान लो आपके पास ABS वाला फिलामेंट है, तो यहाँ से आप ABS में चेंज करके उस फिलामेंट को इसमें लगा के भी यूज़ कर सकते हो। तो और देख सकते हो कि बस इतना सा ही है। मैं आपको थोड़ा सा वार्न भी कर देता हूँ, इस बहुत ही छोटे बच्चों को इस तरह के पेंस नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसकी जो टिप होती है काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती है। तो ये एक बात आप ध्यान रखिए इसे यूज़ करते समय। तो चलो दोस्तों, अब इसको पावर दे देते हैं और यूज़ करके देखते हैं 3D पेन किस तरह से काम करता है। तो अभी इस पेन को पावर दे देते हैं हम। यहाँ पर पावर का इसका सॉकेट है, और यहाँ से हम फिलामेंट डाल सकते हैं अंदर। तो लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने जैसे ही इसे लगाया यहाँ पे रेड कलर की लाइट जलने लगी है। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले है, अभी आप देख सकते हो डिस्प्ले नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है PLA बोलकर। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हो ABS के नीचे, अगर आपके पास ABS फिलामेंट है। तो अभी मेरे पास PLA फिलामेंट है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ PLA में, और दबाऊँगा ये वाला स्विच। तो मैंने जैसे ही ये स्विच प्रेस किया, यहाँ पर देख सकते हो अभी इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो चुका है। तो भी PLA फिलामेंट के लिए जितना टेम्परेचर होना चाहिए था वो टेम्परेचर इसके अंदर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर फिलामेंट डाल सकते हैं। तो इधर देख सकते हो अभी टेम्परेचर किस तरह से बढ़ रहा है इसके अंदर। तो इसका डिजायर्ड टेम्परेचर आने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ग्लो होगी। तो भी ऑलमोस्ट 150 टेम्परेचर जा चुका है। तो PLA फिलामेंट के लिए 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें चाहिए। यहाँ पे सेट हो चुका है टेम्परेचर, और यहाँ पे ग्रीन लाइट भी ग्लो कर रही है। तो चलो अभी फिलामेंट लगाते हैं। ये फिलामेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, इसे रख देते हैं यहाँ पे।
एक पैकेट के अंदर हमें तीन कलर के फिलामेंट्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्लू कलर वाला फिलामेंट। तो फिलामेंट आप देख सकते हो बिल्कुल एक वायर की तरह ही दिखाई देता है, इसका रेडियस भी बिल्कुल एक वायर जितना ही है गाइस। तो फिलामेंट को इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर और प्रेस करेंगे हम लोग ये वाला बटन इस तरह से। अभी देख सकते हो फिलामेंट जो है अंदर जाने लगा है, ये अंदर जाकर मेल्ट हो जाता है। तो ओके, शायद यहाँ से अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी आप देख सकते हो गाइस। तो इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास पेपर पर एक साइकिल का ड्राइंग है और यहाँ पे एक साइकिल है, यहाँ पे गॉगल्स है, यहाँ पे एक होम का ड्राइंग है। तो मैं कोशिश करूँगा इस तरह की साइकिल का एक 2D ड्राइंग बनाने के लिए। तो इसे सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है गाइस। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो भाई आपको इस तरह के ड्राइंग की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप हवा में ही सब चीज़ें बना सकते हो गाइस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ इसके ऊपर, देखते हैं मैं कर पाता हूँ कि नहीं। तो भाई दोस्तों आप देख सकते हो ये रही हमारी साइकिल, मैंने जैसे तैसे करके बना दिया। मैंने आपको बोला था ना गाइस, इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप इसी तरह के 2D या फिर 3D डिज़ाइन बड़े ही कमाल के बना सकते हो गाइस। इस पेन को यूज़ करके मैंने अभी अभी थोड़े से ड्रॉ किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये है गॉगल्स, 3D गॉगल्स है ये तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक और गॉगल्स है, ये सही से नहीं बना है यार। ये एक बड़ी वाली साइकिल भी बनाई थी मैंने, आप देख सकते हो। तो मान लो गाइस अभी आपको इसके अंदर जो ये फिलामेंट है इसको चेंज करना है, तो आपको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला एरो बटन दिख रहा है इसको बस प्रेस कर देना है इस तरह से, और ये फिलामेंट जो है अपने आप ही बाहर आ जाएगा, आपको इसको कुछ करना नहीं है गाइस। आप देख सकते हो ये बाहर आ रहा है इस तरह से। तो भाई ये आ चुका है बाहर, और इस तरह से आपको पुल कर लेना है। अभी आपको दूसरा फिलामेंट लगाना है तो ये लेना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना गाइस, बिल्कुल उसी तरह से कर देना है और इसको यहाँ पे रख देना है इस तरह से, और ये एरो वाला बटन प्रेस करना है और ये जो फिलामेंट है अपने आप ही अंदर चला जाएगा। अभी देख रहे हो गाइस इसके अंदर जितना भी पिंक वाला फिलामेंट बचा है वो निकल जाएगा आगे से। तो अभी आप इसको देख सकते हो गाइस, ये जो चीज़ है स्टार्टिंग में थोड़ा सा हॉट दिखता है पर ये बहुत ही जल्दी सूख भी जाती है। अभी देख सकते हो ये पूरी तरीके से सूख चुकी है और वापस से एक फिलामेंट के जैसा बन चुकी है ये। तो यार इस तरह से आप तरह तरह के ड्रॉइंग कर सकते हो और 3D आर्ट कर सकते हो, 2D आर्ट कर सकते हो, बस आपके इमेजिनेशन और आपके क्रिएटिविटी पे ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ लगाकर बहुत ही अच्छे अच्छे ड्राइंग्स भी बना सकते हो। You can see the writing on the pavement.
yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. तो चलो दोस्तों अभी दे देते हैं शॉर्ट आउट. आज यहाँ पे शॉर्ट आउट मिलने वाला है 10 लोगों को. तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है नीलेश बांडेकर, सूरज गौड़, किशन, पश्व दावे, आयत कबीर, सलमान, मनजोत सिंह, सूर्य प्रकाश, अरुण दास, तनिश. थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए. अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट. कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं. नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे. तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड. मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ. तब तक के लिए बाय दोस्तों.